सी प्लस प्लस में आप देखते हैं किस तरीके से हम कस्टमाइज कर सकते हैं इनपुट आउटपुट को। इसमें हम काफी सारी चीजें देखेंगे, इनपुट आउटपुट कैसे होगा, न्यूमेरिक आउटपुट इंटीजर फ्लोटिंग का कैसे देंगे, आगे हम देखेंगे बाइनरी इनपुट आउटपुट फाइल मोड्स, पोजिशनिंग, फिर स्ट्रिंग की स्ट्रीम्स, फिर लाइन ओरिएंटेड इनपुट आउटपुट, ये हम आगे देखेंगे मतलब नेक्स्ट सेशन में। तो शुरुआत करते हैं हम जितने टाइप के हमारे इनपुट आउटपुट हो सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल है, स्ट्रीम्स हो सकती हैं, ग्राफिकल हो सकते हैं जीयूआई टाइप, और टेक्स्ट हो सकते हैं जैसे टाइप ड्रिवन फॉर्मेटेड, लाइन ओरिएंटेड हो सकते हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और न्यूमेरिक में इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंटर, यूजर डिफाइंड टाइप्स हो सकते हैं। तो अब इसमें बताने की आवश्यकता यह है कि हर इंसान जैसे आप चाहता है कि वो बहुत मतलब अच्छी जगह पसंद करता है, वो अगर किसी ब्यूटीफुल जगह जाएगा या फिर सीनिक ब्यूटी उसको दिख रही है, पहाड़ और नदी, समंदर, तालाब, बहुत खुश हो जाएगा। ये सेम चीज इसमें भी लागू होती है, प्रोग्रामिंग में भी। आप कोई भी चीज प्रेजेंट करके दीजिए और वो इतना मतलब शैबी सा हो, इतना सुंदर ना हो, तो आपने जो मेहनत की है ना वो बेकार हो जाएगी, जो आपने बहुत जबरदस्त कोड लिखा है और गौरतम लिखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर खाना सामने हो तो उसमें प्रेजेंटेशन हो, अगर लाल पीले कलर में दिख रहा है तो थोड़ा खाने की इच्छा भी बढ़ जाएगी। उसको मैं इस तरीके से समझाता हूं आपको। मान लीजिए हमारे पास ये इंटीजर वैल्यूज है 1, 2, 3, 4, ये डेसिमल में है, ये ऑक्टल में है, ये आपका हेक्साडेसिमल में, इसी का। इसी तरीके से अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट अगर जनरल में अगर प्रिंट करेंगे तो कैसे प्रिंट हो जाएगा ये 1, 2, 3, 4.57। वही चीज अगर आप साइंटिफिक में करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल जुड़ जाएगा। वो चीज हम फिक्स्ड में करेंगे तो ये फिक्स वैल्यू आ जाएगा। प्रिसीजन मतलब ये होता है कितना प्रिसीजन है। 6 देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये 1, 2, 3, 4 डेसिमल को इसमें नहीं ले रहे हैं, 5, 7 प्रिसीजन मतलब केवल डेसिमल के पहले और आखिरी बाकी वैल्यू। प्रिसीजन 5 मतलब ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। इसी तरीके से फील्ड्स, फील्ड क्या होती है, देखिए 12 ऐसे लिखा हुआ है डिफॉल्ट में, ऐसे लिख जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ये जगह बने तो ये 12, आप इसको 12 को 4 कैरेक्टर में लिख सकते हैं। 1, 2 इसमें खाली स्पेसेस है और 1, 2 यहां लिखा हुआ है, तो इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं, यही आउटपुट फॉर्मेट हो गया आपके। मैं इस तरीके से समझाता हूं आपको दोबारा कि अब हमारे पास जैसे बेस को चेंज करने की पद्धति है, आपको यह जरूर जानना होगा कि ये 10, 8 और बेस 16 क्या होता है। 10 जो है 0 से 9 तक जाता है, 8 0 से 7 तक की वैल्यूज होती है, 16 जो होता है 0 से लेकर 9 तक जाता है, बाकी क्योंकि 10 है हमारे पास नहीं इसलिए हम ए बी सी डी एफ एफ तक जाते हैं, एफ होता है 15 यानी 1111 बाइनरी में। तो सिंपल टेस्ट आपको दिखाता हूं, यहां पर डेसिमल 1, 2, 3, 4 को करना चाहते हैं तो डेसिमल लिख लीजिए, यहां पर स्लैश टी स्लैश एन, यही इसको सुंदर बना रहे हैं, यही इसको एक अच्छी अच्छा व्यू देंगे, प्लीजिंग व्यू देंगे। आप हेक्स लिखेंगे तो अगला जो नंबर आएगा वो हेक्साडेसिमल में चेंज हो गया है, ऑक्टल लिख देंगे तो अगला डेसिमल जो भी वैल्यू आएगी वो आपको ऑक्टल में चेंज हो गया है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 यहां पर आया, एक स्लैश टी स्लैश एन के कारण क्या हुआ, स्लैश टी से आपको टैब मिल गया, स्लैश एन से जो अगली लाइन है मतलब 4D2 जहां से शुरू होना था वो अगली लाइन में चला गया। डेसिमल सेम वैसी प्रिंट हो गया, हेक्साडेसिमल वैसी प्रिंट होगा, ऑक्टल सेम वैसी प्रिंट होगा, लेकिन देखो सब दोनों के जो है ना कॉलम प्रिंट हुए हैं। हेक्साडेसिमल मतलब 1, 2, 3, 4 पहले हेक्साडेसिमल में चेंज होगा, 4D2 में चेंज होगा, उसके बाद ऐसे आएगा। या फिर ऑक्ट है, ये 1, 2, 3, 4 ऑक्टल में चेंज होगा, 2, 3, 2, 2 में चेंज होगा, उसके बाद ऐसे आएगा। तो ये देखिए किस तरीके से आ गया। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और इसको सही से करें तो ये एक गलत तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आप कुछ इस तरीके से करते हैं 1, 2, 3, 4 फिर स्लैश टी फिर हेक्स फिर ये ऑक्ट, ये जो पिछला क्या ना ये वाला बिल्कुल इसी को मैंने किसी और तरीके से लिख दिया, आप देखिए क्या रिजल्ट आया, ये आप समझ नहीं पाएंगे, ना ये समझ में आ रहा है ना ये ठीक से दिख रहा है। तो ये तो इस तरीके का आउटपुट प्रोग्रामिंग का मतलब क्या लिया नहीं कि आप लैंग्वेज सीख जाए, प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि लैंग्वेज की सुंदरता को समझे, लैंग्वेज के अंदर जो निहित उसको लैंग्वेज को स्पेशल बना रही है वो समझे। तो वो ये आपको ध्यान देना होगा, इस तरीके से नहीं करना है। उसके बाद आप मैनिपुलेटर्स लेके आ सकते हैं। मैनिपुलेटर्स कैसे करेंगे देखिएगा, आपके पास जैसे ये है बेस 10, आप यहां पर 1, 2, 3, 4 स्लैश टी दिया, हेक्स का अलग ऑक का अलग, हेक्स 1, 2, 3, 4 का हेक्स ये ऑक ये, 1, 2, 3, 4 का हेक्स ये ऑक ये, ठीक। आप यहां पर इस तरीके से बहुत सुंदरता से इसको शो कर सकते हैं। यहां पर ये तरीके की शो बेसिस, आपको ये बेसिस जरूर दिखाने पड़ेंगे क्योंकि इस बेस पे ही ये डिपेंड करता है कि आप देखेंगे अलग अलग वैल्यूज आ रही, तो उनको आपको दिखाने के लिए आपको इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा।
एक और तरीका देखिए, आपके पास ये डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट फ्लोट, साइंटिफिक और फिक्स्ड। डिफॉल्ट फ्लोट क्या करता है, आईओ स्ट्रीम, डिफॉल्ट फ्लोट आईओ स्ट्रीम का चूजेस बेस्ट फॉर्मेट यूजिंग एन डिजिट। जो भी आपको एन डिजिट दिया है बाय डिफॉल्ट, जिसे बाय डिफॉल्ट 6 होता है, तो बाय डिफॉल्ट आपको 6 में जो भी आप इनपुट देंगे उसको दिखा देगा। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाय डिफॉल्ट यहां पर डिफॉल्ट फ्लोट लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट दिखाना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 6 में दे दिया इसने। इसने 7 कैसे कर दिया इसको, क्योंकि 6 के बाद जो 7 है वो 5 से बड़ा है, इसलिए इसको एक वैल्यू बढ़ा के दिया इसको। इसी तरीके से आप यहां पर देखिए फिक्स्ड, फिक्स्ड में मतलब ये है जैसा दिख रहा है वैसे आ जाएगा, जैसा आपको दिख रहा है वैसे आ जाएगा। एक पैडिंग के लिए 6 बनाने के लिए इसको 0 कर दिया यहां पे। और अगर साइंटिफिक में करना है तो क्या करेगा, यहां पर 1 के बाद मतलब पहली वैल्यू के बाद पॉइंट लगाएगा और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी 6 पोजीशन तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 क्योंकि 6 डिफॉल्ट होता है, 6 पोजीशन तक जाएगा और उसके बाद इंटू 10 to the power 3 या जो भी एक्सपोनेंशियल है वो वैल्यू डालेगा साइंटिफिक फॉर्म में प्रेजेंट करके। तो आपने देखा क्या तरीका हुआ, ये केवल ये 3 वैल्यू लगाते ही इसके अलग अलग फॉर्मेटिंग बन गई आपकी। अब देखिए यहां पर आपका डिफॉल्ट फ्लोट साइंटिफिक प्रिसीशन, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इस प्रिसीशन को चेंज कर दें, 6 तो 6 आ ही रहा है, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो डेसिमल के साथ है इसको दिखाना चाहूंगा तो ये क्या करेगा, प्रिसीशन इज द नंबर ऑफ डिजिट जो आप आएगा, और साइंटिफिक में क्या करेगा, प्रिसीशन इज द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डॉट, डॉट के बाद जितने वैल्यू उनको उनमें प्रिसीशन डालेगा। और फिक्स मतलब ये होता है कि प्रिसीशन इज द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डॉट, डॉट के बाद। तो मैं इसको करके दिखाता हूं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसको फिक्स्ड में किया तो ये प्रेजेंट हो जाएगा, यहीं पे जो वैल्यू आएगी इसके वो वैसी की वैसी प्रिंट हो जाएगी, 6 प्रिसीशन आ जाएगा इसमें। अब इसको कहा कि ये जो वैल्यू है इसको आप साइंटिफिक में दिखाइए, साइंटिफिक लिखने का मतलब ये है कि इसको साइंटिफिक में दिखाइए, तो 1 के बाद पॉइंट लगा के 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा इसका, 6 वैल्यू आ जाएगी और 10 के बाद जो 3 आ जाएगा, या तो ठीक है। अब किसी ने कहा कि नहीं साहब हमको तो ये प्रिसीशन जो है 6 नहीं 5 चाहिए, 5 चाहिए, तो अब क्या किया इन्होंने यहां पर 5 दे दिया, 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज आ गई, केवल 5 आई इसमें फिक्स्ड वाले में। लेकिन जैसे ही हम इस पे गए साइंटिफिक वाले में या फिर दूसरे वाले में, तो 1 2 3 4 5 5 वैल्यू दी इसने केवल, 1 2 3 4 5 वैल्यू आ गई 5 डॉट के बाद आई, इसी तरीके से डॉट के बाद 5 वैल्यू आ गई। अगर आप चाहते 8 आ जाए तो देखिए 8 कर दिया इसने, 1 2 3 4 ये 1 2 3 4 और ये 5 6 7 9 8 इसके बाद भी 8 करने के लिए 1 2 3 4 यहां तक 9 तक था, उसके बाद क्या करेंगे 3 जीरो इन्होंने अपने आप लगा दिए। इसी तरीके से यहां पर आपको अगर इसको वैल्यू को आपको साइंटिफिक में दिखाना है तो साइंटिफिक इसके आगे आ जाएगा और ये देखिए आपके पॉइंट के बाद 8 वैल्यूज आ गई और बाकी एक्सपोनेंशियल चला गया। इसी तरीके से आप सेटिंग भी बना सकते हैं, जैसे सेट डब्ल्यू कर दिया 4 तो यहां पर ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे आप सेट डब्ल्यू 8 कर देंगे उसके पहले, तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 तो आ गया, यहां पर 2 वैल्यू आ गई, मतलब 2 स्पेसेस आ गए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आगे भी है ये, आपने 8 का प्रिसीशन दे दिया ना, मतलब विड्थ दे दिया, प्रिसीशन भी विड्थ दे दिया। अब आप जैसे 12 प्रिंट कराना चाहते हैं तो 12 ऐसा प्रिंट हो जाएगा अगर आपने यहां पर सेट डब्ल्यू कर दिया, ये जगह खाली हो जाएगी। आप इसको इस तरीके भी से कर सकते हैं, 12 यहां पर भी खाली जगह बन जाएगी। तो ये आपका दिखाने का तरीका है, आप कैसे दिखाएंगे इस तरीके से, केवल नंबर्स के साथ ही नहीं, आप चाहें तो स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। देखिए ये सेट 8 स्ट्रिंग किया तो यहां पर ये जगह आ गई, इसके आगे जगह आ गई है। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि किताबों तो में जब ये प्रिंट वगैरह होगा तो अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए बहुत जरूरी है। तो होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से हम अपने इनपुट आउटपुट को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आगे और भी है इसका और एडवांस वर्जन। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।